इट इज डिफाइंड एज, सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते हैं बेटा, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके लिखें, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ अ सर्फेस फिल्म, इन इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ सर्फेस फिल्म पर यूनिट इंक्रीज इन सर्फेस एरिया, पर यूनिट इंक्रीज इन सर्फेस एरिया। लिख लिया? यस सर। अच्छा देखो बेटा क्या होता है, अगर मान लो कि मेरे पास एक हॉलो फ्रेम हो, ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास एक हॉलो फ्रेम है, एंड दिस हॉलो फ्रेम इज बेसिकली इज हैविंग वन मूवेबल आर्म, ये रही, ये उसकी एक मूवेबल आर्म है, ए बी सी डी, देन सी डी इज द मूवेबल आर्म। अगर मैं इस हॉलो फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दूं और सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम इसे बाहर निकाल लें, तो इस पर्टिकुलर पार्ट पर आपको एक सोप फिल्म अटैच्ड दिखाई देगी, ठीक है, ऐसा होता है? यस सर। क्या ये कभी ऑब्जर्व किया है आपने कि एक सोप फिल्म यहां पर अटैच्ड होती है? यस सर। ओके, अगर हम लोग इस मूवेबल आर्म को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें, एंड लेट्स से नाउ द मूवेबल आर्म इज समवेयर हियर, दिस इज सी डैश डी डैश, तो ये जो फिल्म होगी, दिस फिल्म gets stretched by a certain amount, और वो जो certain amount होगा, मान लिया कि वो certain amount है delta x, ठीक है? Let's say the film gets stretched by a certain length delta x. अब इस फिल्म के कितने free surfaces हैं? एक या दो? बोलो बेटा। How many free surfaces are there of this film? Sir, AB के एक होगा ना? ठीक है सर। सुनो, मैंने बोला था कि आपके पास एक hollow frame है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट रुकेंगे जरा। अच्छा देखो, ये आपके पास एक hollow frame है hollow frame? Yes sir. Yes sir. अब इस हॉलो फ्रेम की दो साइड्स होंगी, एक तो ये और एक ये वाली, ठीक है? देयर आर टू फेसेस, है ना? अगर मैं इस हॉलो फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डालूं, तो इस हॉलो फ्रेम पे एक फिल्म क्रिएट हो गई। नाउ दिस फिल्म इज हैविंग टू फ्री सर्फेसेस, एक ये वाला फ्री सर्फेस और एक ये वाला फ्री सर्फेस होगा ना? Yes. तो यही बात समझाने के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस वाले फ्रेम को स्ट्रेच करूं, तो अगर मान लिया कि मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेट्स से कि मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो बाय व्हाट अमाउंट द स्ट्रेचिंग इज देयर? अगर एक साइड से एल बढ़ा, तो दूसरे साइड से भी तो एल बढ़ गया ना बेटा? यस। इट इज एग्जैक्टली लाइक राइटिंग विद अ पेन। अगर आप एक साइड पर, पेपर की एक साइड पर, लेट्स से कि आपके पास एक पेपर है, ये रहा आपके पास एक पेपर, आप इस पेपर पर एक तरफ पेन से कुछ लिखते हो,
लेट्स से कि मैंने एक लाइन यहां पर मार्क करी, ठीक है, ये रही, तो इसकी अपोजिट साइड पर लाइन थोड़ी दिखेगी आपको, वहां पर लाइन मार्क करने के लिए आपको इंक यूज करनी पड़ेगी। इट मींस अगर मैं आपसे कहूं दोनों साइड्स की लेंथ अगर बराबर थी, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ इंक इज यूज्ड, द अमाउंट ऑफ इंक इज यूज्ड ट्वाइस द इंक यूज्ड ऑन दिस साइड, है ना? यस सर। तो लाइकवाइज अगर मान लो कि मैं इस वायर का एक फ्रेम बना के उस फ्रेम को मैं कहता कि इस फ्रेम का हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो लेंथ दोनों साइड पर इंक्रीज होती है और एरिया भी दोनों साइड पर इंक्रीज होगा। यस सर। तो इसका मतलब अगर हम सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो सरफेस एनर्जी कैन बी रिटन एज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है? तो इसकी एसआई यूनिट होगी आपके पास, वर्क डन इज इन जूल्स और इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, so your SI unit is joule per meter square, ठीक है? Yes sir. ठीक। तो आप जब भी कभी surface energy को define करेंगे तो आप कैसे करेंगे? It is the potential energy per unit area, या फिर आप ये कहें it is the work done in increasing the surface area per unit increase in surface area, ठीक है? Okay sir. अब इसका एक रिलेशन और बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि न्यूमेरिकली ये किस चीज के इक्वल है, ठीक है? अब हमने बोला था लेट द फिल्म स्ट्रेच बाय सम डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है? या आप सिर्फ इसको अगर मान लो कि एक्स भी मानना चाहते हो कि ये एक्स अमाउंट, छोड़ो डेल्टा एक्स ही कंसिडर कर लो, लेट से कि इट इज इंक्रीज बाय डेल्टा एक्स। अगर मैं ये कहूं ए से बी एल के बराबर था, ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दिस विल बी इक्वल टू टू टाइम्स द एल इनटू डेल्टा एक्स, यही होना चाहिए? यस सर। यस सर। फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ बी सी सी डैश डी डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा एल इनटू एक्स द, लेकिन क्योंकि दोनों साइड से इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस द एरिया इज इंक्रीज, सो ट्वाइस इनटू डेल्टा एल इनटू एक्स, बोल सकते हैं? यस सर। नाउ लेट्स से कि आपकी सरफेस एनर्जी को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज इंक्रीज इन सर्फेस एरिया। इसको अगर हम इधर ले आए तो आपके पास वर्क डन हो जाएगा बेटा एस इंटू टू इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है? yes, बट याद ये याद ये रखेंगे न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, देयरफॉर आपका जनरल फॉर्मूला बनता है वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। न्यूमेरिकली आपके पास सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है? यस सर। तो यूनिट्स मैं ऑलरेडी बता चुका है इसकी कि जूल पर मीटर स्क्वायर, और अगर आप सीजीएस में लिखना चाहेंगे बेटा तो सीजीएस में आप इसको लिख सकते हो अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कन्वर्जन क्लियर हो जानी चाहिए यहां से, अगर मैं आपसे कहूं वन जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, सॉरी वन जूल
पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा सर? 10^7 10^7 चलो कन्वर्ट करेंगे. 7 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ? 1 joule is equal to how many erg? 1 joule is equal to how many ergs? 10 कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? सर 10^5 10^5 तो अर्थ के लिए 10^7 होता है बेटा, ठीक है. लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को आपने सेंटीमीटर में भी चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो कन्वर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? Sir. हो जाएगा सर. ठीक है सर. मेन SI यूनिट तो जूल पर मीटर स्क्वायर ही है ना? हाँ, जूल पर मीटर स्क्वायर है. अर्ग मतलब एज एन न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है अगर आएगा. हाँ ऑब्वियसली बेटा, वो CGS यूनिट है, न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन आ जाते हैं, इसीलिए करा रहा हूँ. ओके सर. ओके अच्छा, नेक्स्ट है इसी के कुछ एप्लीकेशंस, और इसी के एप्लीकेशंस के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, फिर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, और फिर एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल. अब एयर बबल कहां देखने को मिलेगा? कभी एयर बबल देखा है? सर वाटर में भी देखने को मिल जाता है, और जो हम बबल्स फ्लो करते हैं वाटर में ही देखने को मिलता है. इनसाइड द वाटर वो एयर बबल है. सर वो भी तो होता है जैसे फूंक मार के निकालते थे, तो वो तो सोप बबल होगा. तो वाटर बलून की कैटेगरी में नहीं आएगा वो? नहीं, वो सोप बबल होता है बेटा. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप से इतना पार्ट बोर्ड का क्लियर कर दो. हाँ जी सर. सर आपने क्या कराया था? मैंने अभी सरफेस एनर्जी कराया है बेटा. नहीं सर, आपने जूल्स का क्वेश्चन पूछा था उसके बाद. कुछ नहीं, सिर्फ जूल्स का क्वेश्चन ही पूछा था. हाउ मेनी जूल, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल्स? ओके सर. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर. सर मुझे सरफेस टेंशन में एक क्वेश्चन था आपसे. हाँ बोलो. सर सरफेस टेंशन का सर एक बार रिलेशन एक्सप्लेन कर दो टेम्परेचर के साथ. सरफेस टेंशन का जो रिलेशन था टेम्परेचर के साथ, दैट वाज सरफेस टेंशन एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एट एब्सोल्यूट जीरो या एट 0°C इनटू 1 - α T. इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई इट इज -α T. ठीक है. अल्फा एज एन यूनिट है ना? ये तो अल्फा यूनिट नहीं है बेटा, अल्फा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन. जैसे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, ऐसे ही
सरफेस टेंशन का भी टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है? यस सर। तो अगर आप यहां से अल्फा का एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो जनरली अल्फा का रिलेशन हम ऐसा बनाते हैं बेटा, अल्फा इज इक्वल टू एस टी माइनस एस नॉट अपॉन एस नॉट इंटू डेल्टा टी। अब एक सिंपल सी बात, डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है, हमने बोला डेल्टा टी वैसे क्या होता है आपके पास, डेल्टा टी होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, टी टू माइनस टी वन। हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एस टी माइनस एस नॉट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। Yes, sir. That is why this alpha is negative here. ठीक है? Okay, sir. So this is the relation for surface tension and temperature. या इसको small t की बजाय अगर आपको confusion है तो आप इसको delta t भी लिख सकते हैं। और सर boiling liquid का surface tension zero कैसे हो जाता है जो आपने पिछले क्लास में बताया था? अगर सरफेस टेंशन अपने अगर मान लो कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तो जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा फ्लूइड विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे लिक्विड के जो कि वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो एग्जैक्टली जो लिक्विड फ्री सरफेस है वो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका जो जो टॉप सरफेस है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सो हाई कि वो अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के किस में पहुंच गए होंगे, वेपर स्टेट के अंदर, ठीक है? यस सर। तो उसकी सरफेस टेंशन वहां पर लिक्विड की सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है। ओके सर, क्योंकि वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। द सेम केस जनरली हैपेंस व्हेन व्हेन द लिक्विड सरफेस इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हैवी या हम कहें कि वेरी फास्ट विंड्स। जैसा कि इवेपोरेशन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, ठीक है, एक तो होता है या तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, दूसरा ये हो सकता है क्या फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है? इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपने फ्री सरफेस को छोड़ के कहां आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं। तो वेपराइजेशन की दो कंडीशंस होती हैं। तो यहां जब हम बॉइलिंग कंडीशन की बात करते हैं तो एट द बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो। ओके सर। बेसिकली बेटा एक चीज और लिख सकते हो आप यहां पर, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर लिखवाया था क्या वहां पर? नो सर। लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर, लिखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड becomes zero is called critical temperature of that liquid, is called critical temperature of that liquid. Likh liya? Yes. Yes, sir. Now this critical temperature varies with liquid to liquid, और जनरली हम ये कहते हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो। तो हर लिक्विड का अलग कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम वाटर की बात करें तो इसके केस में दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। यस। नाउ जीरो पे तक पहुंच जाएगा सरफेस टेंशन, मतलब वेपर में चेंज हो गया ना वो? हाँ, वेपर में चेंज हो गया।
यानी कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स वीक हो गई, तभी तो वो मॉलिक्यूल उस वाटर के क्रिस्टल को छोड़ के या उस लैटिस को छोड़ के बाहर निकल के आ रहे हैं ना. यस सर. यानी द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज इन दिस केस. हाँ जी सर, आ गया सर. और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कल हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक ग्राफ प्लॉट किया था, याद हो तो. यस सर. ठीक है, उस ग्राफ को देखो एक बार. तो वो 100 नैनोमीटर्स के बाद इट टेंड्स टू रीच टुवर्ड्स जीरो. द जीरो यानी ना अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है ना. यस. हाँ, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचने की कोशिश करता है. यानी वहां पर नाउ ओनली द लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो वहां पर स्टेट चेंज हो जाती है. स्टेट ही चेंज हो गई तो सरफेस टेंशन की कोई का कोई मतलब वहां पर रह ही नहीं जाता. ठीक है, yes, sir. इंपॉर्टेंट बात एक और बेटा, दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर. This is only valid for small differences in temperature. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो excess pressure start करें. Yes. Excess pressure inside a liquid drop. देखो सर, let's say कि ये मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, और इस लिक्विड ड्रॉप का कुछ रेडियस है r. अब एक इंपॉर्टेंट बात कि देयर इज सम प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और हमने कहा कि वो क्या है pi एंड देयर इज सम प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप हमने बोला क्या है p नॉट. ठीक है, ठीक है बेटा. यस. नाउ दिस p नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड pi इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. Let's say somehow this liquid drop increases its surface area. अब liquid drop अगर अपना surface area increase करती है and it increases the surface area by an amount delta r. तो एक बात तो तय है कि अगर ये अपना area increase कर रही है यानी कि अपनी size ये बढ़ा रही है तो उस केस में प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप. यस सर. तो जो डिफरेंस इन प्रेशर होगा डेल्टा पी दैट विल बी गिवन बाय पी आई माइनस पी नॉट. अगर ये उल्टा होता तो लिक्विड ड्रॉप कंप्रेस हो जाती. यस सर. अब हमें यह भी पता है कि प्रेशर हमेशा कैसे एक्ट करता है नॉर्मली ऑन द सरफेस. तो पी आई नॉर्मली वॉज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये एक्सेस प्रेशर है किस चीज के बराबर. ठीक है, तो एक काम करें, अगर मैं इसका इनिशियल सरफेस एरिया देखूं तो इनिशियल सरफेस एरिया वॉज 4 pi r square and final surface area is 4 pi r plus delta r ka whole square. Isko agar main expand kar dun beta to final surface area mujhe mil jaye. Ya hum kahe yahan se increase in surface area agar hum nikale to wo kya hona chahiye, final surface area minus
initial surface area. So your final surface area is 4 pi r square plus delta r square plus 2 r delta r minus of 4 pi r square. Expand करें 4 pi r square plus 4 pi delta r square plus 8 pi r delta r minus of 4 pi r square. So this 4 pi r square gets cancelled out with this 4 pi r square. और delta r एक छोटी quantity थी, और अगर delta r एक छोटी quantity है और आप उसका square करते हैं, then it even becomes smaller. नेग्लेक्ट कर देंगे तो वी हैव 8 पाई आर डेल्टा आर इज द इंक्रीज इन सर्फेस एरिया. तो ये मेरा इंक्रीज इन सर्फेस एरिया आ गया. अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि मुझे सरफेस एनर्जी निकालनी है तो सरफेस एनर्जी कैसे निकालेंगे. नाउ हमें बताया कि सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात बोली कि न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन increased in surface area. अब surface tension into increase in surface area कितना आ गया, 8 pi r delta r. 8 pi r delta r is equal to work done. Work done किसके equal होता बेटा, force into displacement. अब देखा जाए तो उसने एक radius को कितना increase करा by amount delta r. लेकिन force किसके equal होता है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा. नाउ दिस प्रेशर पी हेयर इज डेल्टा पी, यही आपका चेंज इन प्रेशर है. ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर ओनली देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इन द रेडियस. ठीक है, यस सर. ये वाली बात क्लियर है सबको, अनुभव क्लियर है. सर एक बार ये वाला पार्ट फिर से बता दो कि सरफेस एनर्जी वाला जो आपने बताया था वर्क डन इन इंक्रीजिंग. अच्छा देखो, सरफेस एनर्जी का अभी हमने फार्मूला डिराइव किया, डिफाइन किया था दैट इट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना. यस सर. इंक्रीज इन सरफेस एरिया वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कितना, 8 पाई आर डेल्टा आर. तो अगर मैं यहां पर 8 पाई आर डेल्टा आर डाल दूं तो सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई आर डेल्टा आर. हाँ जी सर, हो गया. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस सर. लेकिन फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, प्रेशर इनटू एरिया. नाउ द प्रेशर जो कि अंदर से लग रहा है एंड दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ दिस हाई प्रेशर एंड दिस लो प्रेशर, तो वो डेल्टा पी होना चाहिए. यस सर. तो अगर मैं इसको यहां डेल्टा पी लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है ना. हाँ जी सर. वैसे मैंने यहां बता दिया था कि प्रेशर इज डेल्टा पी, या आप एक काम करें यहां लिख लें इसको कि डेल्टा पी इज पी आई माइनस पी नॉट. ठीक है, इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर. क्लियर है. बेटा क्लियर है? यस सर. लावण्या क्लियर है बात? निकिता? यस सर. प्रतीक क्लियर है? हाँ जी सर. अनुषा क्लियर है बेटा? यस सर. लक्ष्य? यस सर क्लियर. याशिका? यस सर. यस सर क्लियर. वर्षा क्लियर है? यस सर. हर्षित? यस सर. इनटू 8
फाई आर डेल्टा आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल आउट होता है, तो एस इंटू 8 पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, 4 वन जा 4 और 2 जा 8, सो 2s इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू आर, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s बाय आर is the desired result. I mean, this is the excess pressure inside the liquid drop due to which it increases its surface area from 4 pi r square to 4 pi r plus delta r square. ठीक है? Yes, sir. इतना पार्ट क्लियर है ना सबको? Yes, sir. नोट तो नहीं करने लिया? Yes. So, if you need to... एक सेकंड सर, हो गया सर, एक सेकंड सर, हो गया सर, ओके। अच्छा, लिक्विड ड्रॉप के बाद अगर हम यहां पर तो बबल की बात करें, तो क्या फर्क होगा? देखो ध्यान से, अगर लिक्विड ड्रॉप के कितने फ्री सर्फेसेस होते हैं, कितने फ्री सर्फेसेस होते हैं लिक्विड ड्रॉप के बेटा? सर वो तो स्फीयर होता है तो उसके फ्री सरफेसेस तो सारे होंगे क्योंकि एज वो राउंड है। फ्री सरफेसेस सारे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सारे होंगे? एक एग्जैक्टली एक फ्री सरफेस होगा। एक लिक्विड ड्रॉप आप कंसिडर करें, लेट्स से के अगर दिख पाएगा आपको तो, यहां से अगर मैं एक ड्रॉप डालूं, दिखा था? Yes, sir. तो इसके कितने फ्री सर्फेसेस होते हैं? एक ही फ्री सर्फेस होगा ना जो आउटसाइड सर्फेस होगा इसका? Yes. बाहर वाला फ्री सर्फेस होगा जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एक्ट कर रहा होगा या ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी या एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, एक सिंगल फ्री सरफेस होगा। अंदर क्या है लिक्विड ड्रॉप के? वाटर ही है या लिक्विड ही है, ठीक है। यार खामोश क्यों हो जाते हो, बोला करो। यस सर, एक लिक्विड ड्रॉप है अगर आपके पास। अच्छा एक काम करें, टैप को सिर्फ इतना सा खोलें और उसके सामने खड़े हो जाएं, ऑब्जर्व द ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द टैप।
उस ड्रॉप के कितने फ्री सर्फेसेस हो सकते हैं? एक ही फ्री सर्फेस होगा उसका जो सर्फेस एरिया है, आउटर सर्फेस एरिया, वही उसका फ्री सर्फेस है, क्योंकि इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप देयर इज लिक्विड, एयर थोड़ी होगी उसके अंदर. यस सर. यस. ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कहूं एक सोप बबल की बात करें, तो हाउ मेनी फ्री सर्फेसेस डज सोप बबल हैव? टू. बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक सोप बबल बनाते हो, लेट्स से कि इसके अंदर मैंने यहां पर ये डाला, ये एक फिल्म क्रिएट हो गई, फिल्म दिख रही होगी अब आपको, है ना? और हमने इससे क्या बनाने की कोशिश की, एक बबल बनाने की कोशिश करी. ये जो एयर प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, अंडर द एक्शन ऑफ दिस एयर प्रेशर एक बबल की फॉर्मेशन होगी, तो इनसाइड द बबल देयर इज एयर ओनली. यस सर. एंड आउटसाइड द बबल अगेन देयर इज एयर, होगी ना? यस सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सोप बबल के दो फ्री सर्फेसेस होते हैं. अब सोप बबल के अगर दो फ्री सर्फेसेस होते हैं, तो इंक्रीज इन सर्फेस एरिया जो आपने यहां से कैलकुलेट करा, 8 पाई आर डेल्टा आर, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2 और आंसर हो जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर. और यहां आप लिखेंगे इस बात को, सोप बबल हैव टू फ्री सर्फेसेस. ठीक है, हो जाएगा? यस सर. तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से, इसको भी टू से, इधर भी टू से, एंड अल्टीमेटली ये 200 होने के बाद दिस बिकम्स 4f/r. ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप 2f/r एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज 4f/r. क्लियर है? यस सर. सना क्लियर है? सर. हाँ सर, अगर वो बबल मतलब आपने ब्लो किया अभी, तो फिर वो बन जाएगा मतलब स्फीयर, तो फिर तो एक ही होना चाहिए. क्यों? सोप बबल के अंदर क्या होगा, एयर ही तो होगी ना बेटा. यस सर. सर तो अंदर और बाहर का मिला के दो गए. यस, दो सर्फेसेस हो गए, इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके सर, बात को समझो. ज्यादा मुश्किल नहीं है ये बात समझना कि ऐसा हो क्यों रहा है या क्या हो रहा है. मान ले कि ये आपने कहा कि ये आपका फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म दिखाई दे रही है आपको. yes, काफी क्लियरली दिख रही है. अब इस फिल्म के दो ही सर्फेसेस है ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला. यस सर, यहाँ तो दिखा था उसके बाद में. ठीक है, जब हम इसको बनाएंगे, बबल बनाएंगे, तो आपने एक्सेस प्रेशर अप्लाई करा ना बाहर से. yes, sir. जिस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसने अपना साइज इंक्रीज किया. Yes, है ना? Yes, sir. तो अंदर क्या बचा, एयर ही तो हुई ना. yes, sir. और बाहर भी एयर थी. सो वी हैव टू फ्री सर्फेसेस व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर. ठीक है. yes, sir. अनुषा क्लियर है बेटा? और सर लिक्विड बबल के केस में एक फ्री सर्फेस होगी. लिक्विड बबल, एयर बबल. यस सर, एयर बबल. एयर बबल इज ऑलवेज इनसाइड द लिक्विड, है ना? लिक्विड बबल जैसी तो कोई चीज नहीं होती है. एयर बबल इज, मैंने गलती से एयर बबल को लिक्विड बबल कह दिया. सुनो सुनो सुनो, इसीलिए बता रहा हूँ बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम एक नोशन भी यहाँ पर, दरअसल बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों तीनों चीजों में. कहीं पर भी अगर कुछ गलत सोच भी लिया, इमेजिन भी कर लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है. बड़ा फर्क है बारीक सा 2SR, 2S/R और 4S/R. ठीक है. यस सर. वर्षा क्लियर है? यस सर. दोनों याशिका? यस सर.
यस सर। निकिता क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो अब जब हम बाद में बात करेंगे लिक्विड ड्रॉप की, सोप बबल की, और इसके बाद तीसरा हमने कहा था एयर बबल। नाउ एयर बबल इज ऑलवेज इनसाइड द लिक्विड, तो वो वापस 2s/r हो जाएगा, उसका एक ही फ्री सरफेस होता है। तो हमारे तीन रिलेशंस रहेंगे, पहला एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, इसकी बात करें तो दिस इज 4s/r, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप 2s/r, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड एंड एयर बबल इज अगेन 2s/r। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपको एक नया रिलेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। लिखो, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस या ऑफ रेडियाई 50 mm and 80 mm respectively. Two soap bubbles of radii 50 mm and 80 mm respectively. Are brought in contact so that they have a common cover, so that they have a common interface. Calculate the radius of curvature of the common interface. Calculate the radius of curvature of the common interface. रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस। लिख लिया? यस सर। यस करो ट्राई। सर इसका एक बार डायग्राम बना दोगे? हाँ, जैसे देखो बेटा, हमने एक कोलेसेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स वाला केस किया था, याद है? जहां हमने 8 ड्रॉपलेट्स की बात की थी, फिर हमने कहा था कि वो सब मिल जाएंगी और एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाएगा, तो वहां पर हमने रेडियस निकाला था उसका दोबारा से, है ना? यस सर। तो दिस इज लाइक दैट ओनली, कि आपके पास दो डिफरेंट बबल्स हैं, एक ये रहा एंड द रेडियस ऑफ दिस बबल इज 50 mm, एक और बबल है मेरे पास, इसका रेडियस है 80 mm, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद नाउ दे फॉर्म, क्योंकि दोनों का एक ही इंटरफेस हो जाएगा, तो दे फॉर्म अ सिंगल बबल नाउ। ठीक है? यस सर। सो दे हैव अ कॉमन इंटरफेस। इंटरफेस किसके साथ? एयर के साथ, यानी सोप बबल और एयर का एक कॉमन इंटरफेस हो गया। ठीक है? आपको रेडियस फाइंड आउट करना है।
करें या हो जाएगा? सर एक बार ट्राई करने दो। करो। अच्छा चलो देखो, इस वाले बबल के लिए अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट के लिए, तो हमें पता है कि इसका डेल्टा पी इज 4s बाय r है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4s बाय r, लिख सकते हैं? यस। और इसका भी होगा मेरे पास, लेट्स से दिस इज आर वन, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4s बाय आर टू, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो स्टिल ये जो फिल्म रहेगी ये तो सोप की ही रहेगी ना बेटा? यस सर। है ना, तो इसका जो इंटरनल प्रेशर होगा पी आई और ये बाहर वाला प्रेशर होगा पी नॉट, एंड दिस विल बी द न्यू रेडियस आर, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? इसके लिए लिख सकता हूं पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4s बाय न्यू आर, है ना? यस। तो बेटा एक बात बताओ, ये दोनों सोप बबल्स का इंटरनल प्रेशर यहां पर डिफरेंस आ जाएगा इसका, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4s by r, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पी आई पी नॉट प्लस 4s by r1 माइनस ऑफ पी नॉट प्लस 4s by r2 इज इक्वल टू 4s by r, तो P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। यस सर। दिस विल बी 4s by r1 माइनस 4s by r2 इज इक्वल टू 1 by r, सॉरी 4s by r, 4s से 4s कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 by r1 माइनस 1 by r2 इज इक्वल टू 1 by r, r कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। यस सर। अब आपको हर बार इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी अगर दो सोप बबल्स के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाए और वहां से आपसे रिजल्टेंट रेडियस पूछे या इक्विवेलेंट रेडियस पूछे ऑफ द न्यू बबल, तो उस केस में आपने कुछ नहीं करना। जैसे रेजिस्टेंसेस ऐड करते थे वैसे ही रेडियसेस को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देना है इन पैरेलल एक तरीके से, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको बेटा कहीं ना कहीं जरूर मार्क करके रख लेना जहां भी आप नोट्स बनाएंगे, ऐसे वाला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जरूर और जरूर पूछा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि द न्यू आर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडियाइज अपॉन द डिफरेंस ऑफ टू रेडियाइज, ठीक है? यस सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप that mu r is equals to product of two radii upon the difference of two radii. तो ये वाला रिलेशन एक बार स्टार्टिंग कैसे किया था वो बता दो एक बार। ये स्टार्टिंग बेटा हमने ऐसे किया, हमने कहा जब कॉमन इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं तो इंटरफेस हमारा पी आई ही रहेगा अंदर इंटरनल प्रेशर, एंड देयर मस्ट बी सम डिफरेंस ऑफ दीज प्रेशर व्हिच विल बी इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर, होगा ना? यस सर।
वहीं तक वो अपना साइज बढ़ा सकता है, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाएगा, जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा साइज आगे बढ़ेगा नहीं। yes, तो हमने इसका इंटरनल प्रेशर निकाला, इसका इंटरनल प्रेशर निकाला, विच विल बी इक्वल टू 4s / r1 + p0, और ये हो जाएगा 4s / r2 + p0, ठीक है। yes, दोनों का डिफरेंस ले लिया, विच विल बी इक्वल टू 4s / r। डिफरेंस इक्वल कैसे हुआ? देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल 4s / r ही होना चाहिए ना। यस सर। जब दो सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाइज आपस में मीट करेंगे, ठीक है, और वो एक न्यू मेम्ब्रेन बनेगी, जो एक कलेक्टिवली न्यू मेम्ब्रेन होगी, देन देयर मस्ट बी सम चेंज इन प्रेशर, है ना। अगर लिक्विड, अगर हमारा सोप बबल बड़ा है तो अंदर उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जो सोप बबल छोटा है उसमें प्रेशर कम होगा ना। जी सर, ऐसा ही होगा लक्ष्य। जी सर। तो वहां पर दोनों का जो इंटरनल प्रेशर है वो अपने आप को इक्वल करने की कोशिश करेगा, यानी जो हायर प्रेशर था वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। यस सर। और कहां तक मूव कर जाएगा? अपने दोनों के डिफरेंस को मेंटेन रखने तक ही मूव करेगा ना। तो दैट इज व्हाई हमने दोनों के इंटरनल प्रेशर्स को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ओके सर। तो जैसे आपने इसको सबट्रैक्ट करा, दिस विल बी इक्वल टू द जनरल फार्मूला 4s / r, which will be for the new radius. Yes, sir. इसी formula को बनाया और यहाँ से result निकाल दिया। Okay sir. Okay? Yes sir. हो जाएगा, कर लेंगे। Yes sir. ठीक है। Theoretically इसको पढ़ें, और बेटा दोनों videos दोबारा से देखेंगे, कल वाला भी और आज वाला भी। Next class will be on Monday, यानी कल 11:30 बजे। यहाँ तक का पार्ट पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कैपिलरी राइज के बारे में और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। यस सर। सर और कितने टॉपिक्स बचे इस चैप्टर में? बस कैपिलरी राइज और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सर उसके साथ आपने बोलते कि यूट्यूब भी पढ़ा दोगे थोड़ा सा? हाँ यूट्यूब करा देंगे बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हर्षित, हर्षित ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती बेटा, डीडीएमए का ऑर्डर है, हम इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स खोल नहीं सकते। सर एक बार मॉलिक्यूलर रेंज